अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे हांडी कबाब, जिसके लिए हम सबसे पहले एक कबाब रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है। आप इसको मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून। 1 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी, पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। अब मैं इसमें प्याज, एक प्याज लिया है छोटा, और दो हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैं चॉप कर लूँगी। इस तरह से हम चॉप कर लेंगे इसको। ये प्याज और हरी मिर्चें चॉप हो गई हैं, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको हम हटा देंगे और ये भी इसमें डाल देते हैं। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड करूंगी। रेड अनियन डालेंगे, एक छोटा सा मैंने प्याज लिया था उसको मैंने रेड कर लिया है, इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसमें 2 स्लाइसेस डालेंगे। इसको पहले हम गर्म गीला करेंगे, पानी में डाल के थोड़ा सा हम इसको प्रेस करके गीला करेंगे, फिर हम इसको निचोड़ के फिर हम इसमें डालेंगे अच्छी तरह से पानी निकाल के। देखें, अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल के ये भी हम डाल देंगे, इससे ये हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। अब दूसरा पीस हम गीला कर लेते हैं और इसको निकालते हैं। ये दोनों हमने डाल दिए हैं। अब ये सारी चीज़ों को हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। मैं चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इस बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको स्टीम देंगे कोयले की। ये मैंने सेंटर में स्टील प्लेट रखी है, इसके ऊपर मैं कोयला गर्म करने के लिए रखा हुआ था, इसके ऊपर मैं वो रखूँगी। इसमें हम ये रखेंगे कोयला। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। अब इसको कवर कर देंगे, इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए बारबेक्यू का, बिल्कुल बाजार जैसे कबाब बनेंगे। फिर आप लोग मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठों के साथ, या अफ्तारी में भी आप नान वगैरह के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं ये। 2 मिनट हो गए हैं, इसको मैं उठा लेती हूँ, ये देखें। अब इसको हटा देते हैं। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इसको इसकी शेप बना लेंगे कबाब की। साइज आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको पसंद है साइज़। मैं ये साइज़ रख रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ कबाब को, और बता देती हूँ। ये देखें, इस शेप से मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखिए, हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये हमने ऑयल ले लिया, वही ऑयल जिसमें हमने प्याज को रेड किया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 1 by 1 इसमें डालेंगे कबाब और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये हमने सारे डाल दिए हैं, एक तरफ से पकाते हैं, फिर हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। दोनों तरफ से हम इसको लाइट गोल्डन सा कर लेंगे। अब तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए, गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं। सबके साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया। देखिए, दोनों तरफ से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक डिश में। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारा अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने निकाल लिए हैं सारे, लाइट गोल्डन से हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। हम इसी ऑयल में जिसमें हमने कबाब फ्राई किए हैं, इसमें मैं 2 प्याज काट लिए हैं और 3 बड़े टमाटर कटिंग कर लिए हैं, इनको डालूंगी और इनको फ्राई कर लूंगी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको निकाल के चॉप कर लेंगे।
ये प्याज और टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकालूंगी, इस चॉपर में निकाल लूँगी। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप इसको निकाल के ग्राइंड कर लें। ये देखें हमारा पेस्ट रेडी है। ये देखें इसको हम एक साइड पे रखते हैं। इसी ऑयल में हम डालेंगे, इसको हम गर्म कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे। एक तेज़पत्ता है और थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है और लौंग है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँ। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट जो हमने बनाया है प्याज और टमाटर का। इसमें मसाले ऐड करेंगे, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा आप। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे फेंट के। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मसाला तकरीबन रेडी है। अब हम इसमें कबाब डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। 5 से 6 मिनट इसको हम भूनेंगे मसाले में ताकि अच्छी तरह से भून जाए। मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें रेड अनियन डालेंगे। इसको मैंने हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब इनको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसको मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं। और ये हमारा हांडी कबाब बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक कटा हुआ डालेंगे, बहुत ही मज़े का लगता है ये भी। अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा कबाब हांडी कबाब बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।